हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन कंसेप्ट। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि प्रेसिडेंट द्वारा चुना गया 5 न्यू गवर्नर, ठीक है, जिसमें से 5 न्यू गवर्नर के डिटेल मैं बताने वाला हूं। उसके बाद आपको एक लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिलेटेड बताने वाला हूं, ठीक है। तो कौन कौन से राज्य से चुने गए हैं सबसे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले है ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा, जो कि रिटायर्ड हैं, जो कि चुने गए हैं गवर्नर अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सत्यपाल मलिक, जो कि गवर्नर बिहार के चुने गए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बनवारी लाल पुरोहित, जो कि गवर्नर चुने गए हैं तमिलनाडु के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है उसके बाद आपका जगदीश मुखी, जो कि गवर्नर चुने गए हैं असम का। उसके बाद है आपका गंगा प्रसाद, जो कि गवर्नर चुने गए हैं आपका मेघालय के, ठीक है। और उसके बाद किया जाए अगर आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर का, जो कि चुने गए हैं एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी, जो कि अंडमान निकोबार का लेफ्टिनेंट गवर्नर चुने गए हैं, ठीक है। तो ये था न्यू गवर्नर आपका चुने गए हैं। किनके द्वारा चुने गए हैं? तो प्रेसिडेंट द्वारा चुने गए हैं, जो कि इनका रहने का जो रिटायर्ड कब होगी, ये सारे कोई रिटायर होंगे लगभग 5 साल बाद, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।